नमस्ते दोस्तों, बुजुर्गों द्वारा बताई गई ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर 1, अखरोट के तेल से मालिश करने से हाथ पैर की ऐठन दूर हो जाती है। नंबर 2, लगातार उल्टी गिनती करने से याददाश्त तेज होती है। नंबर 3, नहाने से पहले नाक, कान, नाभि, अंगूठे के नाखून पर सरसों का तेल लगा लिया करें, इससे आँख कभी खराब नहीं होती है। नंबर 4, आयुर्वेदिक के अनुसार जिन बच्चों के ज़्यादा पसीना आता है और कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें सुबह के वक्त कभी भी गर्म दूध ना दे। नंबर 5, फर्श पर सोने से कमर की दर्द में राहत मिलती है। नंबर 6, अगर पाँव में मोच आ गया हो तो बर्फ से सिकाई कर ले, इससे दर्द और सूजन में आराम मिलता है। नंबर 7, जिन औरत का वजन ज़्यादा होता है उन्हें दही में काला नमक के साथ काली मिर्च मिलाकर सेवन करना चाहिए। नंबर 8, शरीर में कमजोरी दूर करने के लिए दूध में साबुदाना पका के खाएं। नंबर 9, सुबह के समय भींगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है और मस्तक भी मजबूत होती है। नंबर 10, ज़्यादा चाय के सेवन करने से दांतों पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 11, बार बार पेशाब जाने से बीमारी में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। नंबर 12, जो औरत सुबह उठकर कंघी करती है जो बाल कम टूटता है, बालों में मजबूती आती है। नंबर 13, दूध में सेव का रस मिलाकर पीने से चेहरा निखर जाता है। नंबर 14, आँखों में शहद डालने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है। सूती कपड़ों को विनेगर में डुबो कर अच्छे से निचोड़ कर किचन प्लेटफॉर्म को पोछे, इससे प्लेटफॉर्म पर जमी गंदी साफ हो जाएगी और कीटाणु भी मर जाएंगे। 60, विनेगर और नींबू के कुछ बूंदे मिला करने भी अपने प्लेटफॉर्म को साफ कर सकते हैं। 70, चींटी और कॉकरोच को किचन से दूर करने के लिए कुछ ही में भी करने के बाद प्लेटफॉर्म को साफ जरूर करें। 80, किचन काउंटर पर रखे सामान को हटाकर गीले कपड़े से दिन में 2 बार किचन काउंटर को सफाई करें। टाइल्स पर लगे दाग धब्बों को साबुन मिले गर्म पानी से धो लें। 90, पैराफिन और नमक में कपड़ा भिगोकर भी आप साफ कर सकते हैं, इनसे इनकी चमक बढ़ जाएगी। 20, टाइल्स पर नींबू वाले को छिड़क कर फैला दें, 15 मिनट बाद मुलायम कपड़े से पोछने पर भी चमक बराबर रहती है। 21, लिक्विड एल्युमिनियम और साबुन के घोल को भी टाइल्स पर दाग धब्बे साफ किया जा सकता है। 22, चूल्हा रखने वाला जगह की सफाई के लिए गीले कपड़े को सोप में डुबाकर अच्छी तरह से साफ कर ले। 23, रोजाना खाना बनाने के बाद चूल्हे के आसपास रखे कैविकेट नेट पर लगे तेल के छींटे और गंदी को साफ कर ले, नहीं तो गंदा गर्म होकर चिपचिप हो जाएगी। 24, किचन कैबिनेट के दरवाजे, हैंडल और खोलने की जगह पर अच्छी तरह सफाई क्यों करें, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा चिपचिपा हो जाते हैं। 25, फ्रिज की सफाई सप्ताह में 1 बार जरूर करें। 26, फ्रिज में खुले सामानों को न रखें। 27, साग सब्जियों को हमेशा धोलकर व पोछकर रखना चाहिए। 28, फ्रिज की सफाई करने से पहले फ्रिज का सारा दे। नंबर 29, फ्रिज से आ रही बदबू दूर करने के लिए सफाई के दौरान बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। नंबर 30, फ्रिज के ऊपर सफाई माइक्रोफाइबर कपड़े से करें ताकि स्क्रैप ना पड़े। 31, फ्रिज में वही खाना रखें जो आपके यूज वाला हो। फ्रिज से फालतू सामानों को हटा दे ताकि सामान हाथ लगने से गिरे नहीं। 32, किचन टॉवल को गर्म पानी से धोएं और धूप में सुखाएं। 33, काम करने के बाद सफाई तुरंत कर दे, बाद के लिए न छोड़े, खुले खाद्य सामग्रियों को रखने से बचे। नंबर 34, काफ़ी दिन का बर्तन बिना धुले इस्तेमाल न करें। नंबर 35, बर्तने धुलने के बाद सोप बार का पानी निकाल दे, इससे आपका सोप काफ़ी दिनों तक चलेगा। 36, किचन में डस्टबिन जरूर रखें। 37, किचन में एप्रेन, हाथ पोछने का कपड़ा और बर्तन पोछने का कपड़ा जरूर रखें। 38, रिफाइंड चीज़ें और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, रिफाइंड ऑयल, मैदा आदि से जितना मुमकिन हो दूर बनाए रखें, इससे विकल्प इस्तेमाल करें, गुड़, सेंधा नमक, सरसों तेल, गेहूं का आटा। 39, फाइबर वाली चीज़ें जैसे सलाद आदि जरूर खाएं, नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपका जिगर खुश होगा। 40, कीवी को सुबह खाने से बहुत फायदे हैं, इसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो पाचन तत्व को स्वस्थ रखता है। डेंगू की बीमारी में कीवी खाना बहुत लाभदायक माना जाता है। 41, सेव सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इससे वजन पर कंट्रोल रहता है और बीमारी भी दूर होती है। अगर आप कब्ज से परेशान हो तो सुबह खाली पेटे सेव जरूर खाएं। 2, अमरूद को खाली पेट खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। इससे बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जिससे आँखें स्वस्थ रहती है।
नंबर 43, अनार में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। अनार को खाली पेट खाने के बहुत फायदे हैं, इससे शरीर में आयरन की पूर्ति होती है। नंबर 44, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियों को खुद से दूर करने के लिए फलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। यह कई तरह से लाभ प्रदान करता है। जानते हैं फल खाने के फायदे क्या है? 45, फलों से आपको फाइबर मिलता है। फाइबर के लिए आप नाशपति रस भरी और सेब खा सकते हैं। यह फल आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 6, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में एवोकाडो केला संतरा अच्छी भूमिका निभाते हैं। 47, फाइबर युक्त फल पाचन को आसान बना देते हैं। इन फलों को किडनी स्टोन बनाना भी बंद हो जाता है। 48, बहुत से फलों में पानी की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर में पानी का स्तर बनाए रखते हैं। 49, पेट में संबंधित बीमारी में निरंजन फल लाभदायक है। बवासीर में निरंजन फल खाएं, इतने के फायदे मिलते हैं। इस फल में बवासीर ठीक होते हैं। 50, ताज़े फलों में सोडियम बहुत कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। 51, फलों से हमें बहुत सारे जरूरत न्यूट्रिशियन मिलते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेने से यह परेशानी का कारण बन सकते हैं, जिससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। 52, सेव सुबह खाली पेटे खाने से वजन कंट्रोल करने में भी फायदा मिलती है। पोषण तत्वों से भरपूर सेव खाने से आपको कब्ज गैस की छुटकारा मिलेगी और पाचन तंत्र तो दुरुस्त होगी। 44, अपच का खतरा हो सकता है, तो जिनका अपच तंत्र संतुलन होता है तो सेव संतरा अंगूर खाने से पेट में जलन का कारण बन सकते हैं। खाली पेटे फल खाने के नुकसान भी हो सकते हैं। 55, बहुत से फलों में फ्रुक्टोज ज़्यादा होते हैं, मधुमेह, इंसुलिन प्रतिरोधक और मोटापे की समस्या पैदा कर सकता है। 56, फाइबर विटामिन और खनिज से भरपूर कीवी का फल सुबह खाली पेटे खाया जा सकता है। ये आपको पूरे दिन एनर्जी देगा और आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। 7, सुबह खाली पेट पपीता खाने पाचन के लिए सही माना जाता है। नंबर 58, अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो सुबह खाली पेटे सेव जरूर खाएं। नंबर 60, अनार को खाली पेटे खाने के बहुत फायदे हैं, इसमें शरीर में आयरन की पूर्ति होती है। नंबर 61, कपड़ छान किए नमक में कड़ुआ तेल मिलाकर दांत और मसूड़ों को रगड़कर साफ करना चाहिए, इससे दांत मजबूत होते हैं और पैरिया से भी मुक्ति मिल सकती है। 62, एक गिलास पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे शरीर को पोषण तत्व की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, तो मिलती हूँ मैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।